मध्य प्रदेश के सागर जिले के पुलिस लाइन परिसर में प्रशासन ने पुराने हथियारों को रोड रोलर की मदद से नष्ट कर दिया है। इस कार्यवाही में वो हथियार शामिल थे जो पुराने लावारिस सहित जो बंदूकें राजसात की गई थी। नष्ट किए गए 101 हथियारों में एक नाल, दो नाल, 12 बोर राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल जैसी बंदूक शामिल हैं। सभी हथियारों को गड्ढा कर कोयला, चूना, नमक और कास्टिक सोडा डालकर शुक्रवार को पुलिस लाइन सागर में विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। पूरी कार्यवाही के दौरान डिप्टी कलेक्टर अरुण शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह, उपायुक्त नगर निगम डॉक्टर प्रणय कमल खरे उपस्थित थे। मामले में डिप्टी कलेक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि इस कार्यवाही में ऐसे शस्त्र शामिल हैं जिनका समर्पण किया गया, जो शस्त्र राजसात हो गए या जिनका कोई वारिस नहीं है, नियम अनुसार इन्हें नष्ट किया जाता है, इसी को लेकर यह कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासन में, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जो भी शस्त्र जो हैं, लोगों के शस्त्र अलग फौत हो गए हैं, क्योंकि बारिश की ना औलाद हैं, शस्त्र किसी अन्य कारण ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वो जमा हो जाते हैं, रासात हो जाते हैं, और जो लोग समर्पण कर देते हैं वो शस्त्र हैं, तो उन सारे शस्त्रों को नियमानुसारों को नष्ट करना चाहिए। इसलिए आज जो है 101 फायर आर्म्स जो है, इसमें कि एक नाली, दो नाली, भरमार, 12 बंदूक और एक रिवॉल्वर भी है, जैसे 101 शस्त्र जो है यहाँ पर नष्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नष्ट किया जा रहा है रोड के माध्यम से, नष्ट करके फिर इनको गड्ढा खोद कर इनको सोडा कप बना डलवा के इनको गाड़ दिया जाए।